आज की हमारी इस क्लास में हम बस एक क्वेश्चन आपके साथ करने जा रहे हैं, बस एक क्वेश्चन। तो आज की क्लास में हम एरे फॉर्मूला पे डिस्कस कर रहे हैं, और एरे फॉर्मूला पे हम बात कर रहे हैं एक छोटी सी क्वेश्चंस। जैसे यहाँ पे नेम लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा नंबर, तो इसको हम कैसे अलग करें, कैसे अलग करें। हालांकि स्प्लिट वगैरह करने के लिए फॉर्मूले वगैरह तो है, लेकिन क्या नंबर और टैक्स दोनों की स्प्लिट कर सकते हैं? क्योंकि आप देखेंगे तो टैक्स स्प्लिट नाम का एक नया फॉर्मूला आया है, लेकिन इसमें बताना पड़ता है कि डिलिमीटर क्या है, इसको आप सर रिकॉर्डिंग ब्लैंक को नहीं छोड़ प्लीज सकते। दीजिए। ठीक है, ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। तो कैसे इन सर दोनों को रिकॉर्डिंग की अलग करें, परमिशन दे दीजिए। दे दिया मैंने, तो इसको कैसे अलग करेंगे? हालांकि तरीके और हो सकते हैं, खासकर बीबीए वगैरह में इसका रिकॉर्डिंग इन अच्छा खासा तरीका प्रोग्रेस। इस्तेमाल करते हैं, बट एक्सेल में इसको हम सिंपली यूज कर सकते हैं। कैसे? तो हम एरे इस्तेमाल करें। चलिए पहले इसको मैनुअल समझते हैं कि मैनुअल कैसे होता है। यहाँ मिड का फॉर्मूला लगाते हैं, और मिड के फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, स्टार्ट नंबर 1,1 करके अलग कर देते हैं। लेकिन मुझे तो पूरा एक सिक्वेंस में चाहिए। तो याद होगा हमने आपको लास्ट क्लास में सीरीज का फॉर्मूला बताया था, सीक्वेंस का, सॉरी सीक्वेंस। हमने बोला कि कितने रो चाहिए, तो एक रो। कॉलम कितना चाहिए, तो कॉलम के लिए हमने कॉलम का फॉर्मूला लगाया, सॉरी लेन का, माफ कीजिएगा लेन का, कि जितना लेंथ है उतना चाहिए ना, लेंथ का फॉर्मूला। ऐसा करने से क्या हुआ, इसके बाद कॉमा 1,1 ब्रैकेट क्लोज। सीक्वेंस का फॉर्मूला बीच में डाल देने से ये इन सब को अलग अलग सेल में कर दिया। अब मुझे करना है इनको आपस में मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 1 या +0 कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका नंबर जो है ना यहां पे आ जाए, और जो टेक्स्ट है वो क्या हो गया, फिर यहां पे हम इज एरर का फॉर्मूला देंगे, जो कि बताएगा कि कौन सा एरर है और कौन सा एरर नहीं। अब इसको नॉट फॉर्मूले लगा देते हैं, नॉट फॉर्मूले से बेटर रहेगा, ताकि ट्रू फॉल्स में फॉल्स ट्रू में कन्वर्ट हो, इसलिए नॉट। अब मैं यहां पे मैच का फॉर्मूला लगाऊंगा, और मैच में लगाऊंगा ट्रू का फॉर्मूला, और ट्रू फॉर्मूले से मैं पता करूंगा कि जो ट्रू है वो इसके अंदर कहां तक, कहां से सर। हेलो हेलो, रिकॉर्डिंग का परमिशन दे दीजिए सर। जी, तो इसने बताया कि 9 नंबर पे हमारा नंबर शुरू हुआ है, लेकिन है कितने नंबर? तो मैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाया, और इस पे मल्टीप्लाई बाय 1 करके एंटर, 3 आया। अब मल्टीप्लाई बाय 1 क्यों किया, क्योंकि एक्सेल के अंदर में ट्रू इक्वल टू 1 होता है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। फिर सम ने क्या किया, इसको आपस में सम, ठीक है। तो यहां हमें क्या मिला, नौवे नंबर से 3 करेक्टर है। तो सिंपल सा हम यहाँ मिड का फॉर्मूला लगाएंगे और बोलेंगे कि भाई और नौवे नंबर से 3 करेक्टर उठा लो, और 1, 2, सॉरी 8, 2 में नौवे स्टार्ट नंबर 9, 3 क्यों आ रहा है, 9 जो लाया है एक, हाँ यहाँ पे हमने 1 कर दिया, 0 करना था एग्जैक्ट में, इसलिए गड़बड़ हो गई, 1, 2, 3 आ गया। ये तो मैनुअल था, अब चलिए इस पे हम बेसिक कंसेप्ट पे बात करते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट में हम यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, इस पे एरे कंसेप्ट, सॉरी मैच का। तो मैच फॉर्मूला हमने लगाया, मैच के अंदर में दिया ट्रू,
और इसके अंदर दिया मैंने अगेन नॉट, इसके अंदर इज एरर, इज एरर के अंदर दिया मैंने मेड, और मेड में मैंने इसको सेलेक्ट किया, और यहां क्या देंगे सीरीज का फॉर्मूला, सीक्वेंस सॉरी सीक्वेंस का फॉर्मूला, रो नंबर वन, कॉलम नंबर के लिए मैंने लेन का फॉर्मूला लगाया, इसको सेलेक्ट कर लिया ताकि नंबर ऑफ लेन आ जाए, फिर कॉमा वन 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 डाल दीजिए, और फिर इसको क्लोज करके अगेन कॉमा वन हमने मिड को क्लोज कर दिया। अब मिड के रिजल्ट को मल्टीप्लाई बाय वन करना है, तो मल्टीप्लाई बाय वन कर दिया, एरर को नॉट को क्लोज कर दिया, और यहाँ पे कर दिया जीरो फॉर एग्जैक्ट मैच। अब यहाँ सेवन आ रहा है, ठीक है, समझ में आया। अब इस नॉट फॉर्मूले को हम लेते हैं, बाकी सब ठीक है, अब इस नॉट फॉर्मूले को लेते हैं और हम करते हैं सम, सम में नॉट फॉर्मूला पूरा लेके मल्टीप्लाई बाय वन कर देते हैं, रिजल्ट आ गया थ्री, देन यूज द मिड फॉर्मूला, इसको सेलेक्ट किया सेवन कॉमा थ्री, वन टू थ्री आया। अब इस मैच फॉर्मूले को मैंने कॉपी किया और यहां रख दिया किस पे, बी टू पे, और फिर मैंने वापस सम फॉर्मूले को लिया और कहां रख दिया सी टू पे, और इन दोनों को डिलीट कर दीजिए, ये रहा आपका रिजल्ट। अब ए फॉर्मूला क्या कर रहा, सॉरी हमें कट नहीं कॉपी पेस्ट नहीं कट करना चाहिए था। अब ये क्या क्या करेगा कि इसमें इसका सुजीत 5 6 7 9 और यहाँ पे कुमार कर दिया, तो सिर्फ इसमें से 8 5 6 9 को अलग किया, समझ में आया, दोबारा बताऊं, प्रशंसा जी समझ में आया, दोबारा बताऊं, सुरेश जी सर ये तो सर के ऊपर से गया सर, चलिए सर के ऊपर जो है ना कुछ रख लीजिए, इस बार नहीं जाना चाहिए, ध्यान से काफी ट्रिकी है सर। हाँ, हमने लिखा ए बी सी और हमने लिखा 900, ठीक है, मुझे इसमें से 900 को अलग करना। अब ऐसा बोलेगा सर क्या करेंगे, लेफ्ट लगाइए और तीन लेटर दीजिए अलग हो जाएगा, नहीं ले राइट सॉरी हमने लेफ्ट लगा दिया, राइट लगाइए और तीन लेटर को अलग कर, अलग हो गया क्या, लेकिन एक गारंटी नहीं है कि एबीसी 900 होगा या 900 एबीसी होगा या फिर एबीसी 900 सिक्स वाई जेड होगा, एनीथिंग हो सकता है, बट बीच में नंबर होगा या साइड में नंबर होगा या स्टार्टिंग में नंबर होगा, एनीवेयर नंबर होगा तो होगा, समझ गए। I can hear... तो क्या करें, तो इसके लिए यहां हम कुछ नहीं करेंगे, यहां पे सिंपल लिखेंगे मिड का, पहले मुझे क्या करना है सारे लेटर को तोड़ देना है, तोड़ने का हम क्या करता है सर, मिड करता है ना, तो मिड के अंदर में कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, 5, 6 कर दीजिए और 1 कर दीजिए, तो तोड़ दिया 6 नहीं सॉरी 3, 4, 6 होना चाहिए, 9 दे दिया गलती से, तोड़ दिया सर, समझे, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5 दिक्कत हो रही है ना, इसके लिए मैंने आपको समझाया था ना लास्ट दो क्लास में सीक्वेंस का फॉर्मूला, तो सीक्वेंस के फॉर्मूला में हमने लिखा कि रो वन चाहिए लेकिन कॉलम, क्योंकि मुझे कॉलम वाइज तोड़ना है तो कॉलम होना चाहिए, तो कॉलम कितना होना चाहिए, मैंने बोला कि जितना इसकी करेक्टर उतना कॉलम होना चाहिए, फिर स्टार्ट किससे होगा, ए वन से स्टार्ट करो, और गैप कितना, एक एक का गैप करो, ये क्या करेगा, उसने सेम काम किया जो हमने कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 तक डाला था वो हो गया, इससे फायदा क्या हुआ कि कर्ली ब्रैकेट में बढ़ता है तो बढ़ जाएगा, घटता है तो घट जाएगा, यहां तक समझ में आया, यस। अब मुझे इसमें आइडेंटिफाई करना है कॉन्टेक्स्ट है और नंबर है, लेकिन प्रॉब्लम है कि अगर हम इज टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होगा, सब ट्रू होगा, क्यों ऐसा क्यों बोला,
क्योंकि ये नंबर रिटर्न किया लेकिन है तो टैक्स ही ना सर, क्योंकि मीट फॉर्मूला रिटर्न टैक्स करता है, चाहे नंबर हो चाहे टैक्स हो, रिटर्न वो टैक्स ही करेगा। तो सबसे अच्छा है कि इनको मल्टीप्लाई बाय वन कर दो। अब टैक्स में मल्टीप्लाई बाय वन करेंगे तो एरर आएगा, नंबर में करेंगे अगर नंबर टेक्स्ट में हुआ तो आपका नंबर इन द नंबर फॉर्मेट में आ गया ना सर। यस सर। अब कौन एरर है, अब कौन नंबर है, इस चीज को जानने के लिए इज एरर फॉर्मूला लगा दीजिए। इज एरर एरर को कर देगा ट्रू और नंबर को कर देगा फॉल्स। समझ में आया? पर प्रॉब्लम ये है कि हमें जो है ना ट्रू यहाँ चाहिए था, नंबर पे ट्रू चाहिए था और एरर पे फॉल्स चाहिए था, रिक्वायरमेंट है। हम क्या करेंगे, एक नॉट फॉर्मूला है याद होगा, नॉट फॉर्मूला क्या नॉट करता है, का ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू अपोजिट कर देता है, तो नॉट इसी चीज को काम किया। अब मुझे पता करना है कि ट्रू का पोजीशन कितने नंबर पे है, माने कितने करेक्टर बाद हमारा ट्रू आया, ट्रू मीन्स नंबर आया, और कितने ट्रू आए कि कितने डिजिट का नंबर है, दो चीज पता चल जाएगा तो मिड फॉर्मूला यूज कर लेंगे ना सर। क्या सर, यहाँ पे लगाएंगे कि भाई चौथे से तीन हाँ करेक्टर सर। लेना है तो आ जाएगा, तो चार और तीन पता तो करना पड़ेगा ना, तो इसके लिए लगाएंगे मैच का फॉर्मूला। मैच में मैं बोला कि ट्रू को ढूंढो किसके अंदर, तो ये जो आपका नॉट का रिजल्ट आया है ना, उस नॉट रिजल्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है सर, छह दिया क्योंकि हमने एग्जैक्ट के लिए जीरो नहीं किए थे, चार आ गया ना, यहाँ चार चाहिए था, आ गया चार। अब किसी भी नंबर ट्रू फॉल्स को अगर वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉल्स तो आएगा जीरो, क्योंकि फॉल्स जीरो होता है, ऐसे जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो ऑलवेज जीरो क्या, लेकिन वन मल्टीप्लाई बाय वन इक्वल टू वन। अब इसी चीज को हम सम के अंदर डालेंगे, इस सम इस पूरे को सिलेक्ट किए और हमने मल्टीप्लाई बाय वन कर दिया, तो ट्रू जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा वन से, या फॉल्स भी हो जाएगा वन से, तो फॉल्स जीरो हो जाएगा, ट्रू वन आ जाएगा, तीन वन आया, सब ने तीन करके तीन आपको दे दिया। तो अब आपको पता चल गया कि चार रो और तीन डिजिट, अब इसके बीच में हो चाहे लास्ट में, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया ना पी लगा दिया, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ना, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मान लीजिए मैं एक नंबर बढ़ा दिया, एक जीरो बढ़ा दिया, जीरो बढ़ा दिया ना सर, अब ये फॉर्मूला आगे तक ड्रैग नहीं है इस कारण से ऐसा आ रहा है, इसको ड्रैग कर दीजिए तो सेम हो गया। अब इस फॉर्मूले को आगे तक बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ये ऑटोमेट नहीं है ना सर, क्योंकि एरर नहीं है ना। ठीक है, हो गया, चार चार आ गया, चार लेटर चार चौथे से, लेकिन ये तो मैनुअल कंसेप्ट हुआ ना, अब देख पा रहे हैं कि बढ़ाना घटाना पड़ रहा है। इसी काम को हम करेंगे किसमें, हमें मेजर दो रिपोर्ट रिजल्ट चाहिए, मैथ्स का रिजल्ट और सम का रिजल्ट, राइट। तो मैथ्स के लिए ट्रू और ए सिलेक्ट किया नॉट से, किसको, नॉट के रिजल्ट को, नॉट किससे रिजल्ट लेके आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है इज एरर से, इज एरर किससे लेके आ रहा है, मल्टीप्लाई से, मल्टीप्लाई किससे आ रहा है, मिड से। तो नीचे से ऊपर की तरफ शुरू करेंगे, यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला मैच का, यहाँ देंगे फॉर्मूला ट्रू। अब ट्रू में रिजल्ट किसको मिल रहा है, नॉट, तो नॉट दिया पहले, नॉट को किससे मिल रहा है, इज एरर से, इज एरर लगाया हमने, इज एरर किससे मिल रहा है, मिड से। इज ब्लैंक आ गए हाँ सॉरी, हाँ सर, इज ब्लैंक आ गए। इज एरर किससे मिल रहा है, मिड से। सब सीक्वेंस में डाल दिया नीचे से ऊपर की तरफ। अब मिड में हमने मिड का फॉर्मूला लगाया, जो हमने लगाया था वहां पे मिड स्टार्ट सीक्वेंस नंबर इतने सीक्वेंस का सीक्वेंस सीक्वेंस लगाया, सीक्वेंस में हमने वन कॉमा और यहाँ पे दिया लेन का फॉर्मूला, वो लेन यानी एट कॉमा कॉमा वन वन कॉमा कॉमा जीरो वन, ना। और फिर ऑल्सो वन, फिर ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय वन। ठीक है,
और फिर यहाँ पे एग्जैक्ट लुकअप। तो जो ये फॉर्मूला अलग अलग था उसको हमने यहाँ पे एक साथ कंबाइन कर दिया, समझे? अब ये जो फॉर्मूला है इसमें भी सेम है, नॉट से रिजल्ट आया है, बस इसने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय वन कर दिया है, यही किया है ना। तो नॉट के पूरे पूरे नॉट फॉर्मूले को दोबारा लगा लीजिए, या इससे मैं कॉपी कर लिया और मैंने यहाँ पे सम का फॉर्मूला दिया, इसमें रख दिया, मल्टीप्लाई बाय वन करके एंटर प्रेस कर आ गया। फिर फाइनल रिजल्ट तो हमें मिड दे रहा है ना, तो मिड लिया और हमने स्टार्ट नंबर, नंबर ऑफ कैरेक्टर दे दिया, आ गया 9000। अब ये फॉर्मूला इससे लिंक है, इस फॉर्मूले को कॉपी कीजिए। अरे फॉर्मूला मर्जिंग मेथड तो आप जानते ही हैं, हमने बहुत दिनों से इसका यूज कर रहे हैं, तो बन गया एक फाइनल फॉर्मूला। तो एडवांस एक्सेल का मतलब ही यही होता है कि आप जो है चीजों को तोड़ 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 फिर जोड़ जोड़ जोड़, सिंपल सा मेथड। आपने लाइफ में ऐसे ही करते हैं ना कि प्रॉब्लम जब हमारे पास वो आती है तो क्या लग रहा है कि एरोप्लेन डायरेक्ट अभी जेट, जो भी जेट इंजन है क्या डायरेक्ट बन गया है, नहीं बना है ना, छोटा खिलौना बनते 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 थोड़ा मॉडिफाई थोड़ा मॉडिफाई थोड़ा मॉडिफाई थोड़ा मॉडिफाई और वी हैव गेट्स रिजल्ट, और भी मॉडिफाई किया जा सकता है। उसी तरह से आप इसको भी तोड़ 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 जब आपको रिजल्ट मिल जाए तो जोड़ना तो आपको आता ही। प्रशंसा जी क्या समझ रहे हैं? जी सर। अब इस तरह की फॉर्मूले जब लगाएंगे then you have become the expert. अभी टाइम लगेगा सर एक्सपर्ट बनने में। जी समझ गए, इसलिए मैंने बोला था कि एरे के लिए एक एग्जांपल काफी है और 100 एग्जांपल काफी। अब बताइए इसमें कौन सा फॉर्मूला आपको नहीं आता है? ऐसा है कोई फॉर्मूला जो आपको ना आता हो? आपको सीक्वेंस आता ही मतलब... है, मैच आपको आता ही है, नॉट आपको आता ही है, इस जगह आपको आता ही है, मिड आपको आता ही है, क्या बस खाली यहाँ पे हम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि कब कहाँ पे क्या लगाना है जिससे कि वो रिजल्ट हो, जैसे कि वही चीज। अब जब आपने इसकी पॉसिबिलिटी देखी, बाकी और आपने पॉसिबिलिटी आपने देखी, एक चीज और जान लीजिए कि इसके अंदर जो नंबर्स है ना हमारे, तो नंबर सीक्वेंस में होने चाहिए। अगर नंबर सीक्वेंस में नहीं है तो वर्क नहीं करेगा, ठीक है? अब मान लीजिए कि मैंने लिखा ए 2A5A6, अब इस पे फॉर्मूला वर्क नहीं है, समझ गए? आपको यहां पे 5 5 6 अलग करना है, ये पॉसिबल नहीं। तो कैसे पॉसिबल होगा सर? तो इसके लिए हमें लगाना होगा फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला, एक आता है, एक याद रखिएगा। देखिए कैप्स में जब ए रखते हैं तो इसका कोड होता है 65, और स्मॉल जब जेड लिखते हैं इसका कोड होता है 122। मतलब कि 65 से लेके 105 तक का जो नंबर है ना, वो जो है वो आपका क्या करता है। अब प्रॉब्लम है कि क्या सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला वर्क करेगा? देखिए मैं भी इसको फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ, लाइक इसको बीबीएस यूज करते थे, तो प्लीज आप हंसिएगा मत कि सब नहीं हुआ। यहाँ पे हमने टेक्स्ट को ले लिया, टेक्स्ट को लेने के बाद हम कोड फॉर्मूला लगा रहे हैं, कैर फॉर्मूला लगा रहे हैं। कैर फॉर्मूले के अंदर हमने सीरीज का फॉर्मूला लगाया, सिक्वेंस सिक्वेंस सीक्वेंस में हमने बोला कि हमें रो तो वन चाहिए बट कॉलम चाहिए। कितना होता है 65 माइनस 122? 60 60 120 63 चाहिए ना सर? 63 कॉलम चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए 65 से और स्टेप वन का 67 हो जाए सर, 63 नहीं 67 हो जाएगी।
हाँ सिक्सटी हेलो सिक्सटी सर, सेवन होगा ना, 67 नहीं, 57, 57, 57, 65 प्लस 57 इज इक्वल टू 120। चलिए 57 कर दिया, 65 से वन स्टेप कर, ठीक है। और यहाँ हम फैक्टर ले लिया और यहाँ पे हमने कर दिया कि मुझे इसको ब्लैंक करना, क्या एरर देगा? नहीं, रिजल्ट एरर दे रहा है। ओ सॉरी, कैर को क्लोज नहीं किया मैंने। अब इसको मुझे नहीं किया इसने ब्लैंक। अच्छा पहले बार में तो इसने कर दिया, यहां तो दिख गया बाकी नहीं आया। अच्छा मैं यहाँ पे टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला यूज करता हूँ और टेक्स्ट ज्वाइन में मैं बोलता हूँ कि यहाँ कॉमा होना चाहिए और ट्रू होना चाहिए। अरे ओके, फिर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है टेक्स्ट बिफोर, इसको सेलेक्ट किया और देखिए सर हमने कर लिया था। कर लिया सर, हालांकि पुराने एक्सेल में नहीं होने वाला था बट नया एक्सेल में हो गया क्योंकि टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला पुराने एक्सेल में वर्क नहीं करता है। कैसे किया समझ में आया कुछ कि नहीं? जब मैंने सब्स्टिट्यूट के अंदर सीरीज सीक्वेंस और सीरीज वाला सिस्टम अप्लाई किया तो इसने रिजल्ट तो दिया, तो सबसे पहले जो रिजल्ट दिया उसमें उसने सारे करेक्टर को रिमूव कर दिया। एक मिनट, इसमें बी करते हैं, बी होगा? नहीं सर मैंने गलत कर दिया, नहीं होगा। कोई ऐसा नहीं है जो कि पूरा गायब किया हुआ, बी पहले में ए को गायब किया, दूसरे में बी को गायब किया, दूसरे में सब कुछ नहीं जाने दिया। नहीं, मुझे सब्स्टिट्यूट के अंदर ये जो ए जो यहाँ पे आपको आ रहा है A46, A46 सब कुछ सब में सेम आ रहा है, मुझे हर बार इसको चेंज करना था तब हो पाता। नहीं, कुछ और करना पड़ेगा। ठीक है, मैं देखता हूँ इसका भी कोई तरीका ढूंढता हूँ। ठीक है सर, वीवीए तो है, नॉर्मल एक्सेल में तरीका इसका ढूंढता हूँ। तो मिलते हैं कल सेम टाइम।